ही इम्पॉर्टेंट दिन है ये, बिकॉज आई फील आजकल मेंटल हेल्थ की हम इतनी ओपनली, और बहुत अच्छी बात है कि हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में. फॉर मी आई थिंक योगा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नॉट जस्ट टूवर्ड्स फिजिकल फिटनेस या फ्लेक्सिबिलिटी. आई थिंक ये एक फॉर्म है जो, और बहुत पुराना एज ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, जो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एक्चुअली कंबाइन करता है इन वन, विच आई थिंक इज सो इम्पॉर्टेंट. आई थिंक आजकल हमारे स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं विद द पेस एट विच वी लिव आर लाइव्स, या जिस तरीके से हम हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, तो उस सेंस में मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि मोर पीपल टेक टू योगा. एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली हम इसका ट्रू मीनिंग जान पाए, बिकॉज योगा सिर्फ एक यू नो फिट रहने के लिए या आपकी बॉडी टोन रहे इसके लिए नहीं है. बहुत ज़रूरी है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, कि आप अपने एनर्जीज को अलाइन करते हैं, आप अपना सेंटर फाइंड करते हैं. इम्पॉर्टेंट इन योगा इज़ नॉट टू रीच अ पोज, कि आपने आपने ये पोज कर लिया, सुपर्ब, यू आर ग्रेट एट प्रैक्टिस. आप जिस तरीके से उस पोज तक पहुंचते हैं, वो एक जो प्रोसेस है, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल सकती है अगर आप चाहें, इफ़ यू अंडरस्टैंड योगा इन डेप्थ. सो या सो आई थिंक मैंने काफ़ी वक्त के बाद शुरू किया है बहुत रिसेंटली, और मेरे लिए ऐसा हो चुका है कि अगर मेरे पास वक्त की कमी होती है तो मैं, मेरी पहली प्रायोरिटी जाती है योगा को रादर देन गोइंग टू द जिम. ऑफकोर्स जब वक्त होता है तो आप दोनों चीज़ें करते हैं और दोनों करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी और प्रेस्ड फॉर टाइम, तो मैं हमेशा सोचती हूँ अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, मैं योगा कर लेती हूँ. सो देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट इट दैट रियली कनेक्ट्स मी to the practice.